हमारे देश में एक से बढ़कर एक अपराधी हुए हैं जिन्होंने जुर्म की दुनिया में खूब नाम कमाया है। और कुछ तो ऐसे थे जो हालातों से अपराधी बने, वहीं कुछ लॉरेंस बिश्नोई जैसे थे जिनके शौकों ने उन्हें अपराधी बना दिया। आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई को शौक था कि उन्हें देश भर जाने। हालांकि लॉरेंस को जाना भी गया, लेकिन उसके अपराधों के कारण। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे ज्यादा उस वक्त चर्चा में आया था जब उसने सलमान खान को मारने की साजिश की थी। आपको बता दें, सिर्फ इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई ने इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड भी तैयार कर लिया था, लेकिन एन मौके पर पुलिस ने उसकी प्लानिंग फेल कर दी। दोस्तों, ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि लॉरेंस बिश्नोई आखिर कैसे अपराध की दुनिया में आया। कौन था लॉरेंस बिश्नोई का गुरु जिससे उसने यह अपराध की दुनिया में कदम रखना सीखा और एक आपराधिक जीवन जीना शुरू कर दिया। तो आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई ने अपराध की दुनिया के पैतरे को भगवानपुर पंजाब के रहने वाले जग्गू भगवानपुरी से सीखा। लॉरेंस बिश्नोई के जो गुरु थे वो जग्गू भगवानपुरी थे जिन्होंने उसे अपराध की दुनिया में आगे बढ़ने का मौका दिया। आपको बता दें, जग्गू का नाम देश के सबसे अमीर गैंगस्टरों में गिना जाता है और जग्गू इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं। लॉरेंस ने जग्गू के साथ ही अपने आपराधिक जीवन की शुरुआत की थी। जग्गू के साथ रहकर लॉरेंस बिश्नोई ने अपराध की दुनिया में नए नए पैतरे सीखे। वहीं दिल्ली, NCR, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सहित यूपी के कई हिस्सों तक फैले जुर्म के साम्राज्य के कर्ता धर्ता लॉरेंस बिश्नोई को इस समय हाई सिक्योरिटी अजमेर जेल में रखा गया है। और आपको बता दें, हाल ही में उस पर मकोका भी लगाया गया है। जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई को लाने का श्रेय जग्गू भगवानपुरी को जाता है, जिसकी वजह से आज लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर बना। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।